हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे इस वीडियो में हम कि 48 घंटे के अंदर अंदर क्या हम आरटीए के माध्यम से कोई सूचना प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि कोई सूचना आरटीए के माध्यम से हम 48 घंटे में ले सकते हैं या नहीं। जबकि आरटीए एक्ट के तहत यदि किसी सूचना के लिए आवेदन किया जाता है तो वो सूचना हमें 30 दिन के अंदर अंदर मिलती है। लेकिन ऐसी कौन सी कंडीशन है, ऐसी कौन सी सूचना है जो हमें आरटीए एक्ट के तहत सिर्फ और सिर्फ 48 घंटे में दी जाती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों आरटीए एक्ट यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के अनुसार ऐसी व्यवस्था की गई है कि अगर किसी व्यक्ति को किसी सरकारी कार्यालय से या फिर किसी विभाग से कोई सूचना प्राप्त करनी है तो वह आरटीए एक्ट के माध्यम से आवेदन करता है और उचित फीस के साथ आवेदन करता है। अब जैसे ही आवेदन संबंधित कार्यालय में पहुंचता है तो उस कार्यालय का यह दायित्व बनता है कि वह उस आवेदक को सूचना दे जो उचित समय सीमा यानी कि 30 दिन के अंदर अंदर देनी अनिवार्य होती है। दोस्तों आरटीए एक्ट का सेक्शन 7 यह प्रावधान करता है कि जो आवेदक द्वारा सूचना मांगी गई है वह सूचना 30 दिन में प्रोवाइड करवाना अनिवार्य है। इसके साथ साथ दोस्तों आरटीए एक्ट का सेक्शन 7 यह भी प्रावधान करता है कि यदि आवेदन द्वारा जो सूचना मांगी जा रही है, अगर किसी व्यक्ति द्वारा जो सूचना मांगी जा रही है वो सूचना उसके जीवन और स्वतंत्रता से जुड़ी हुई है तो फिर इस सेक्शन के तहत यह सूचना 48 घंटे में देना अनिवार्य होगा। दोस्तों ऐसी और कानूनी जानकारियों के लिए प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।